हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेई मेन 28 जून शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें मोस्टली मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखूंगी। इससे पहले फिजिकल के क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाकर के उसको चेक कर लेना। ये ऑर्गेनिक का वीडियो, इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन केवल हम लोग देखेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो ये है, क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसा एक कंपाउंड बना हुआ था, एसिडिक मीडियम दिया हुआ था और हीटिंग कंडीशन दिया हुआ था और मेजर प्रोडक्ट पूछा था। तो दो कंडीशन है, पहले एसिडिक मीडियम और फिर हीट करना है। तो पहले हम लोग एसिडिक मीडियम से इसको रिएक्ट करा के देखते हैं कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले कंपाउंड लिख लेती हूं मैं यहां पे। इस तरह का एक कंपाउंड दिया हुआ था और एसिडिक कंडीशन था H+। तो H+ यहां पे कैसा बिहेव कर सकता है? H+ यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है और यहां ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये कैसा बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? यहां पे OH2 यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? यहां के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और अलग हो जाएगा। किस रूप में अलग हो जाएगा? H2O के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -H2O, अलग हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन हो गया। एक बचा क्या यहां पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा मेथिल शिफ्ट। यहां पे देखो दो मेथिल ग्रुप हैं, एक यहां पे भी है एक यहां पे भी है, कुछ लिखा नहीं, मतलब मेथिल ग्रुप है ना यहां पे, ठीक है, तो दो मेथिल ग्रुप है। तो अब मेथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, तो ये यहां पे लिख देती हूं मैं, मेथिल शिफ्ट होगा। क्यों होगा मेथिल शिफ्ट? सेकेंडरी कार्बोकेटायन को टर्सरी कार्बोकेटायन में बदलने के लिए, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो कैसे शिफ्टिंग होगा, यहां से एक मेथिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन के साथ यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथिल ग्रुप, यहां लग गया, यहां और यहां, एक मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये टर्सरी कार्बोकेटायन, यहां पे था तो सेकेंडरी, अब यहां आ गया तो टर्सरी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है कि इसको हीट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसको हीट भी करना है। तो अब हम लोग यहां पर हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से अलग हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पहले से था, ये पहले से था और ये भी पहले से था, और H+ क्या हो गया? -H+ बाहर हो गया। वापस ये वाला H+ फिर से एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा, फिर यहां अटैक करेगा, सेम वही कंडीशन। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कहां से? यहां से शुरू किया और बना किसमें? सब्स्टिट्यूटेड एल्किन में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रिएक्शन। एनिलीन दिया हुआ था, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ था, HNO3 और H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो HNO3 एक्ट एज एसिड, H2SO4 एक्ट एज एसिड, या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट अथोरमेटा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट पैरा और मेटापोजिशन, क्वेश्चन पूछा था। तो एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन कैसा होता है? एनिलीन होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कोई भी ग्रुप वहां पे लगेगा तो ऑर्थो पे पोजीशन पे एनिलीन के, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, यहां एनिलीन है अगर, और कुछ भी रिएक्ट हो रहा है तो या तो ऑर्थो पे या तो फिर पैरा पे, ठीक। तो वाई कर देती हूँ यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म डेट ऑर्थोमेटा और पैरामेटा, तो ये दोनों ही आंसर सही नहीं हो रहे, ऑर्थो पैरा आना चाहिए, लेकिन अभी और कंडीशन भी है ना। एनिलीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसा बिहेव करता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, HNO3 और H2SO4, तो यहां पे H2SO4 एसिड के जैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा बिहेव करेगा और क्या करेगा? यहां एनिलीन है NH2, इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा? क्षार का काम होता है लोन पेयर देने का, ये अपना लोन पेयर देगा और H2SO4 क्या करेगा? प्रोटॉन देने का काम करेगा, यहां पे H+ देगा, ठीक है। तो ये H+ इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? एनिलीन NH3, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसपे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ये बन गया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। अब एनिलीन जो था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, लेकिन जो एनिलीनियम आयन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये कैसा हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। तो अब कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले ऑर्थो पैरा पे बन रहा था, अब क्या होगा? मेटा पे भी बनेगा, यहां पे एक्स कर दे रही हूं। तो अब देखो कंडीशन बदल गए, ऑर्थो पैरा पे बनना था, लेकिन चूंकि एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन के कारण कंडीशन बदल गया और ये किसमें बदल प्रोडक्ट देने लगा? मेटा पे भी देने लगा। तो ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे प्रोडक्ट अब हम लोग को मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा?
ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो नाइट्रीकरण का रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एनओ टू जाकर के जुड़ता है, तो एनओ टू को जोड़ना है, क्या क्या हो जाएगा, ये एनिलीन एनएच टू एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, एक जुड़ेगा ऑर्थो पोजिशन पे एनओ टू, ठीक, और एक जुड़ेगा NH2 पैरा पोजिशन पे NO2। और चूंकि यहां पे एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 के कारण ये एनिलियम आयन में बदल जाएगा, और एनिलियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा मेटा वाला। तो ये मेटा प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट, ये ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट तो बहुत कम बनेगा, बहुत ही कम, 10-12% के अमाउंट, 10-12% भी नहीं, केवल ये कितना बनेगा 2%। पैरा वाला जो है वो बनेगा 51% और मेटा वाला जो है वो बनेगा 47%। तो नाइट्रीकरण डायरेक्ट संभव होता भी नहीं है एनिलीन का, इसीलिए क्यों होता नहीं है संभव, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन क्या करता है, इसको एनिलीनियम में बदल देता है, और एनिलीनियम फिर मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक। तो मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है और पैरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। ऑर्थो को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि केवल 2% बन रहा है ना। तो ये वाला ऑप्शन की मेजर प्रोडक्ट फॉर्म डेट ऑर्थो, ये तो गलत हो गया, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म डेट पैरा एंड मेटा, ये करेक्ट है। और एचएनओ थ्री एक्ट एज एसिड, एचएनओ थ्री एसिड की जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल की जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है ना, एसिड की जैसा कौन बिहेव किया था, H2SO4, तो H2SO4 एक्ट एज एसिड। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही था, डी और बी, बी और डी ऑप्शन सही था। तो आंसर आप लोग चेक कर लेना कि आंसर क्या होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नॉमनक्लेचर, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आईयूपीएससी नाम लिखना था, कंपाउंड क्या दिया हुआ है, एक बार हम लोग कंपाउंड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे जुकाम है इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये NO2 इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन था ना, ये दो, तो देखो यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वाला जो ग्रुप है ये CHO ग्रुप दिख रहा है, CHO, और जो भी कार्बन वाला क्रियात्मक समूह होता है उधर से नंबरिंग करना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये यहाँ पे भी कोई मेथिल ग्रुप होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 7। इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की है NO2 के साइड से, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप है, पर यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बन वाला, और अगर कार्बन वाला कोई क्रियात्मक समूह है तो वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब हेप्टेन तो हो गया, ठीक है, तो इसके नाम में हेप्टेन यहाँ पे मैं नोट करके रख रही हूँ, हेप्टेन तो हो गया, ठीक। अब क्या क्या है, और ये तो एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड है तो क्या लगता है, एल्डिहाइड है ना, ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है तो क्या लगता है, अल, ठीक। तो हेप्टेन की जगह पे क्या हो जाएगा, हेप्टेनल, है ना। अब तीसरे पोजीशन पे क्या है, कीटोन, और कीटोन रहता है जब तीसरे पोजीशन पे, तो हम लोग क्या लगाते हैं, कोई से पोजीशन पे अगर कीटोन रहता है और क्रियात्मक समूह के जैसा उसमें नंबरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सो। तो हेप्टेन था, अब क्या हो गया, हेप्टेनल, यहां पर मैं लिख देती हूँ हेप्टेनल, और तीसरे पोजिशन पे ऑक्सो, ठीक। फिर चौथे और पांचवें के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं, ईन, ठीक है। तो चौथे पे ईन, छठवें पोजीशन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, तो नाइट्रो, और क्या है यहाँ पे, एक और सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल, दूसरे पोजीशन पे, दूसरे पे है मेथिल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट और क्रियात्मक समूह, और ये मेन नाम है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 मेथिल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन AL। हाँ देखो ये ईन को तो क्या लगाते हैं, ये सबको सफिक्स लगाते हैं ना, ईन, अल, अल जो लिखा है ये भी सफिक्स लगता है, और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है या इस तरीके से बाहर अलग अलग रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स लगते हैं ना। तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा, ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अब प्रीफिक्स को पहले लिखना है हम लोग को, सफिक्स को बाद में लिखना है, तो प्रीफिक्स क्या है, ये तीनों कौन सा क्रम यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करते हैं ना। तो एम एन ओ, पहले एम फिर एन फिर ओ, सबसे पहले होगा 2 मेथिल, फिर N, 6 नाइट्रो, सबके बीच में डैस लगाते हैं ना, 6 नाइट्रो, फिर 3 ऑक्सो, अब हेप्टेन है तो हेप्ट लिख लेंगे, हेप्ट, और अब सफिक्स लगाना है, N हटा करके सफिक्स लगता है ना, तो N हट गया, सफिक्स क्या लगेगा, अल, और क्या लगेगा, इन, इसमें कौन पहले लगेगा, इन पहले लगेगा ना, तो 4 इन, और इन के बाद अल क्या लगेगा, अल, ठीक है। 2 मेथिल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन अल, ये हो जाएगा हमारा नेम।
तो ये कौन से ऑप्शन में दिया था देख लेना, यही इसका नाम होगा। और एक ऑप्शन उसमें जो दिए हुए थे उसमें एक में हेक्सेन दिया हुआ था, तो यहाँ सात कार्बन वाले तो हेक्सेन तो हो नहीं सकता, तो वो ऑप्शन गलत हो गया था। एक और जो ऑप्शन था उसमें क्या गलत दिया हुआ था, उसमें कीटोन को मुख्य क्रियात्मक समूह लिखा था, डाई ओन लिया था, मतलब कीटोन को लिया था, तो वो भी गलत हो गया डाई ओन के कारण। और एक जो ऑप्शन था उसमें गलती क्या थी, ये इसके इसके पोजीशन की गलती थी, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है उसमें तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड दिया हुआ था, तीसरे नंबर पे ईन लिया था, तो वो गलत था। फर्स्ट एक ऑप्शन केवल सही था, ये वाला नाम जिस ऑप्शन में भी होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ टेगामेट इज, टेगामेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टेगामेट होता क्या है, टेगामेट एक एंटा एसिड दवा है, एसिडिटी का दवा है, हर्ट बर्न या अल्सर वगैरह होता है तो इस दवा को यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C10H16N6S, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रक्चर दिए हुए थे लाइन से, उसमें से जो एक स्ट्रक्चर था वो इसका आंसर होगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है टेगामेंट का, ऑप्शन में ही दिया हुआ था, ऑप्शन से देख करके आप लोग बना लेना। थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, हो सकता है कि कई लोगों को इसका स्ट्रक्चर ना पता हो। यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3, ये टेगामेट का स्ट्रक्चर है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C10H16NS, नाम क्या होता है इसका, 1-cyno-2-methyl-3-2-cis-methyl-1H-imidazole-4-ill-methyl-sulfenyl-ethyl-guanidine, ग्वानिन से बना है इसलिए ग्वानिडीन करके नाम है ना इसका। ठीक है, तो ये है टेगामेट, स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोटोकेमिकल स्मोग इज मिक्सचर ऑफ, फोटोकेमिकल स्मोग किसका मिक्सचर होता है, जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, किसके साथ, सनलाइट के साथ, और सनलाइट के अलावा इसमें कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे PAN करके एक ऑप्शन दिया हुआ था, PAN ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो PAN दिया हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सब जानते हैं है ना। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो मिक्सचर है NO2 का, PAN का और सनलाइट का या O3 का। जब भी सनलाइट नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे पड़ता है तो ब्राउन ब्राउन हेज जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ज्यादातर तो एकदम पॉल्यूटेड सिटी हो वहीं पे ऐसा दिखाई देता है, जनरली हर सिटी में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसके साथ NO2 भी होना चाहिए, ओजोन भी होना चाहिए, और PAN मतलब परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कोई भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होने चाहिए, तभी आंसर होगा। और भी ऑप्शन थे पर किसी किसी ऑप्शन में नाइट्रोजन वाला ऑप्शन ही नहीं दिया था, और जिस ऑप्शन में नाइट्रोजन का ऑप्शन दिया था उसमें बाकी ये सारे ऑप्शन नहीं दिए थे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन।